केंद्रीय जांच दल आएगा छत्तीसगढ़, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाथी विशेषज्ञ दल भेजने का किया गया था आग्रह, शनिवार को पहुंचेगा ये 3 सदस्यीय जांच दल। एक हफ्ते तक करेगा हर हाथी की मौत की जांच। 10 दिन में 8 हाथियों की मौत हो चुकी है, अब उन सभी 8 हाथियों की जांच की जा रही है। ये दल टीम गठित की गई है 3 लोगों की, जिसमें विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर्स भी हैं, जो कि ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हाथियों की मौत के पीछे की वजह क्या थी और इसका कौन जिम्मेदार है। क्योंकि लगातार जो सवाल उठ रहे हैं वो वन विभाग के ऊपर उठ रहे हैं। अब ऐसे में ये जांच दल क्या कुछ रिपोर्ट सौंपता है, ये देखने वाली बात होगी। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं रूपेश गुप्ता। रूपेश जी, जिस तरीके से देखा जाए ये 3 सदस्यीय जांच दल है, ये क्या क्या मुद्दों पर, किन किन बिंदुओं पर जांच करेगा, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? देखिए, जो हालात छत्तीसगढ़ में है ना, उसको देखते हुए जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी अतुल कुमार शुक्ला है, जो कि लगातार मौत वाली जगह पर पिछले कई दिनों से हैं और लगातार बारीकी से देख रहे हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, रिक्वेस्ट किया था केंद्र सरकार को कि हाथी विशेषज्ञ दल भेजा जाए। ऑलरेडी क्योंकि बैंगलोर का 2 सदस्यीय टीम यहाँ पे है, तो दिल्ली से भी उन्होंने डिमांड की थी और उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट भारत शासन को ये रिक्वेस्ट की थी। नॉयल थॉमस ने इस रिक्वेस्ट को मानते हुए एक विशेषज्ञ दल जो कि 3 सदस्यों का है, ये अप्रूव किया है कि छत्तीसगढ़ में आकर के एक हफ्ते तक जो अलग अलग जगहों पर मौतें हुई हैं हाथियों की, उनकी जांच करेगा और कारण को तलाशेगा कि ये मौत क्यों हुई और किस तरीके से हालात, कोई ऐसे हालात तो नहीं पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, या फिर ये एक इत्तफाक है, इसको भी देखना पड़ेगा। ये तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी जांच करेगी। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि जो हाथी धर्म जयगढ़ में जिसकी मौत हुई है, उस मामले में ताजा अपडेट ये है कि छत्तीसगढ़ शासन के डॉक्टर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बल्कि जो बैंगलोर से 2 सदस्यीय एक्सपर्ट की टीम आई हुई है वो उसका पोस्टमार्टम करेगी और रायपुर से ये टीम रवाना हो चुकी है। डॉक्टर अरुण है जो कि बैंगलोर से आए हुए हैं, डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर वेटनरी रिसर्च एंड सर्विसेज वाइल्ड लाइफ SOS, और दूसरे डॉक्टर SS प्रयाग, असिस्टेंट प्रोफेसर हेप्पल वेटनरी कॉलेज बैंगलोर, ये दोनों आए हुए हैं और इन दोनों को भेजा गया है वहां पे कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़े। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश। वहीं इंदौर में कलेक्टर के निर्देश